आज हम परासरण द्वारा आलू की विभिन्न कोशिकाओं में जल का परिवहन समझेंगे। परासरण एक विशेष प्रकार का विसरण है। परासरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑस्मोसिस। इसमें जल अथवा विलायक के अणु अपने शुद्ध विलायक अर्थात उच्च साधारण स्थिति से निम्न साधारण स्थिति की ओर गमन करते हैं और यह पारगमन जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली है जिसे हम इंग्लिश में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन से सिर्फ जल के अणु ही उस तरफ जाते हैं जहां पर विलयन का या जल का निम्न साधारण है। जल के उच्च साधारण स्थिति से जल के निम्न साधारण स्थिति की ओर पारगमन होता है और यह क्रिया हम पोटैटो ऑस्मोस्कोप के द्वारा समझेंगे। पोटैटो ऑस्मोस्कोप आलू का परासरण दर्शी, जिसके लिए हमें एक आलू चाहिए। इसे काट लेंगे, छील लेंगे और नीचे से इस तरह से काटेंगे कि ये समतल हो जाए ताकि ये किसी भी सतह पर आसानी से रखा जाए, लुढ़के जाए। इसको छील कर अंदर से छील लेंगे तेज चाकू से और इसमें एक कैविटी बना लेंगे इस प्रकार। इसकी दीवारें ना तो बहुत मोटी होनी चाहिए ना बहुत पतली, छेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह से बनाएंगे। ये क्या है? पेट्री डिश। पेट्री डिश। वेरी गुड, पेट्री डिश। ये क्या है? बीकर। बीकर। और ये स्टरर। स्टरर से हम क्या करते हैं? मिलाते हैं। इस बीकर में हमने 100 ml जल लिया है और 3 ग्राम चीनी और उसे हम अच्छे से मिला जब तक ये चीनी इसमें पूरी तरह से घुल नहीं जाती। तो ये हमारा जल और शर्करा का एक विलयन तैयार हो गया है। इस पेट्री डिश में हम सादा पानी लेंगे। इसमें सिर्फ सादा पानी है। अब इस आलू के अंदर हम चीनी और जल का विलयन डाल देंगे। अब इस आलू में हमने चीनी और पानी का घोल बना के डाल दिया है। इसकी सतह को चिह्नित करने के लिए हम एक ऑलपिन से इसकी भीतरी भित्ति की तरफ अंदर की ओर एक पिन लगा देंगे और इस को हम पेट्री डिश में रख देंगे जिसमें सादा जल भरा हुआ है। अब इस सेटअप को हम कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इस पोटैटो ऑस्मोस्कोप को रखे हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अब देखो यहाँ लाओ बेटा पास को, जल का स्तर बढ़ गया। दिखा, आप देख सकते हैं बच्चों इधर आकर। अब जिस स्तर पर जल है हम वहाँ एक पिन लगा देंगे। आपको दोनों पिन के बीच में डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यस मैम। चीनी और जल का जब घोल डाला गया था तब नीचे की पिन की तरफ इसका स्तर था और अब स्तर ऊपर आ चुका है। इसका मतलब इस पेट्री डिश का पानी जो कि शुद्ध जल है वह इस आलू की कोशिकाओं से होता हुआ अंदर आ गया है जिसकी वजह से अंदर की तरफ का चीनी और पानी का घोल जो है उसका स्तर बढ़ गया। इससे ये प्रूव होता है कि अपने जल के जो अणु हैं वो है उच्च साधारणता की स्थिति से निम्न साधारणता की स्थिति की ओर गमन करते हैं। उच्च साधारणता की स्थिति से निम्न साधारणता की स्थिति की ओर गमन करते हैं और किसके थ्रू करते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि केवल जल के अणु को ही अपने अंदर से पास होने देती है।